ओके सुप्रांजलि, कांग्रेचुलेशंस फर्स्टली ऑन योर XLRI सिलेक्शन। तो थैंक यू फाइनली सो मच सर। तो XLRI BM और HRM दोनों में से फाइनली सिलेक्ट कर लिया तुमने। हाँ जी सर, फाइनली बिजनेस मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लिया। ओके, बिकॉज तुम कंफ्यूज थी ना काफी कि HRM इनका काफी बेस्ट है पूरे एशिया में, लाइक एज कम्पेयर टू BM वगैरह। बट आई थिंक BM इज अ गुड चॉइस। मुझे लगता है कि BM अच्छा प्रोग्राम है इनका काफी ज्यादा, मतलब वो भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एग्जैक्टली सर, जब मैं कंफ्यूज थी तो मैं इसलिए कंफ्यूज थी क्योंकि HRM उसका एशिया का बेस्ट ऑफर करता है XLR, बट देन व्हाट मेड मी ओपन माय आईज और रियलाइज दैट एक्चुअली मैं अगर मुझे फाइनेंस में जाना है या थोड़ी सी भी होप रखनी है कि मैं अपना फ्यूचर फाइनेंस में बिल्ड कर सकती हूँ, तो आई हैव टू चूज बिजनेस मैनेजमेंट ओनली। एंड कंसिडरिंग दैट बोथ आर फ्लैगशिप कोर्सेज एंड बोथ आर इक्वली गुड एंड बोथ विल गिव यू द सेम अपॉर्चुनिटीज, लाइक इक्वली गुड अपॉर्चुनिटीज, सो आई डिसाइडेड टू गो व्हाट इज मेंट फॉर मी रादर देन टू गो व्हाट इज ऑलरेडी लाइक द बेस्ट एवरीवेयर। ओके गुड। एनीवे विल कीप इट फॉर्मल यार, इतना अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। विल कीप इट कैजुअल एंड फॉर्मल। बट मेरा क्वेश्चन है, अभी कैसा लग रहा है जब इतने सारे ऑफर लेटर आ गए हैं फाइनली? अब जाना है शायद 15 को ओरिएंटेशन है ना, 15 जून? 12 जून अच्छा 12 जून। ओके, और 3 कम। तो अभी लग कैसा रहा है top 5 कॉलेजेस ऑनेस्टली में? ऑनेस्टली बोलो तो एकदम नम फीलिंग है, लाइक आई हैव बीन एबल टू रिकॉग्नाइज द कॉन्सिक्वेंसेस कि एक्चुअली में क्या होगा इसके बाद, तो एकदम नम फीलिंग है कि आई हैवंट बीन एबल टू डाइजेस्ट इट एंड ओनली, ओके, लेकिन बट या डाइजेस्ट तो इट हैज आपका। गिवन हाँ, मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। वो चीज है कि क्योंकि काफी अभी टाइम हो गया बट एक्चुअली मैं डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तुम्हें भी नहीं हो रहा, मतलब बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑफर्स, तुमने नॉट काफी। एट ऑल। चलो गुड, बट या इट इज रियल एंड यू यू हैव मेड इट टू द टॉप कॉलेज ऑफ द इंडिया, लाइक top 3-4 कॉलेजेस। अभी तो चलो सब अच्छा ही जा रहा होगा, हर लोग हर बंदा कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, सब बधाई दे रहे हैं, है ना? सब इंस्पिरेशन सीख कर रहे हैं, कुछ जेलिसी फील कर रहे होंगे कि भाई हम इसके जैसे क्यों नहीं है। बट टेल मी, 1 साल पहले, लाइक 1 साल की ये जो जर्नी थी वो कैसी रही? बिकॉज आज तो हर कोई देख रहा है, बट वो जो 1 साल का पेन, जो जो मतलब लीप्स एंड बाउंड्स में होती है जर्नी, तो वो सब जो रातें तुमने काली की है मेहनत कर करके, वो किसी ने नहीं देखी। तो ये कैसा साल रहा तुम्हारा लास्ट ईयर? सर मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा मेरा लास्ट ईयर, और मैं झूठ बोल रही कि अगर मैं बोलूंगी कि मैंने एंजॉय नहीं करा, क्योंकि मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय करा। लाइक मुझे एक टाइम पे मजा आने लग गया था वो रूटीन फॉलो करने, जिसमें आप सुबह 6 बजे उठते हो, आप योगा करते हो, फिर आप 8 बजे अपनी कोचिंग जाते हो, 12 बजे कोचिंग से वापस आते हो, खाना खा के दोबारा आप पढ़ने बैठ जाते हो, फिर आप रात तक पढ़ते रहते हो, फिर अगेन वेकअप इन द मॉर्निंग एंड रिपीटेड। मुझे एक्चुअली में उस रूटीन में इतना ज्यादा मजा आने लग गया था कि आई वॉजंट टेकिंग इट एज समथिंग दैट आई हैव टू वर्क और कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। आई वॉज इंजॉइंग माई जर्नी एंड आई वॉज इंजॉइंग द स्टडीज दैट आई गॉट टू डू एट दैट टाइम, आई सो थिंक इट वॉज एक, लाइक एंजॉयमेंट। हाँ मतलब ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो। ऑल्दो आई रिमेम्बर कि जब तुम स्टार्टिंग में आई थी, लाइक शायद 1-2 दिन के डेमो लेने के लिए, दैट टाइम यू डिड नॉट हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम सेल्फिस, है ना? बट स्टिल यू ज्वाइंड एंड देन सर आई डिड नॉट हैव हाई होप्स फ्रॉम माई सेल्फ। ऑन दैट ऑल्सो आई रिमेम्बर कि साल भर पहले की जो प्रांजलि थी और जो आज है, मतलब मैं पर्सनली से ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी मानता हूँ। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें हुआ है, ऑल्दो अभी एंग्जाइटी की वजह से कि XLRI में क्या होगा आगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उसकी वजह से वो चीजें थोड़ी सी तुम्हें कम लग रही होंगी, बट आई हैव सीन दैट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू एंजॉयड इट, बट ये 1 साल बहुत लंबा काफी लोगों के लिए टायरिंग हो जाते हैं। सर हो जाता है, मैं भी एंड तक आते आते बहुत टायर्ड हो गई थी। मैं शुरू में लाइक आई थिंक एवरीथिंग वाज गुड टिल अगस्त सितंबर, बट अक्टूबर के बाद इट वाज एक्चुअली फीलिंग कि यार ये रोज रोज क्यों ही कर रहे हैं हम, इसका बिल्कुल, फायदा क्या होने वाला है, बट हाँ अब जब फायदा मिल रहा है तो समझ आ रहा ओके। है कि हाँ 1 साल काम के लिए करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली पेशेंस लास्ट में पे ऑफ करता है।
along with hard work. क्योंकि मैंने actually अपने सारे बैचमेट से ज्यादा अर्ली ज्वाइन करा था, और तो काफी लोग अपनी प्रिपरेशन दिसंबर से ही स्टार्ट करते हैं, बट मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दी, बट मेरे बैचमेट से वो कंपैरेटिवली अर्लियर थी, तो मुझे वही लगता था कि यार मैं तो कब से पढ़ रही हूँ, इन्होंने तो अभी शुरू करा है, इनके सेम कैसे आ रहे हैं मेरे जैसे मार्क्स में, ये कैसे पॉसिबल है, मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ, मैंने क्यों फिर वो 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाई करी, तो वो कभी कभार लगता था, बट हाँ नहीं वो एक्चुअली में काउंट होता है जो आप अर्ली स्टार्ट करते हो अपना। तो तुम्हें भी ये सेल्फ डाउट आता था बीच में, लाइक तुम इंडिया के टॉप 1% लोगों में से हो, जैट में 99, स्नैप में 99.9, एनमैट में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 99 प्लस है, तो तुम्हें भी सेल्फ डाउट आता था? और काफी ज्यादा, क्योंकि कैट एक बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, आप बहुत ज्यादा पढ़ के जा सकते हो, फिर भी हो सकता है कि उस दिन आपका लक काम ना करे, एज हैपेंड विद मी। सो ये मुझे पता था कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, तो और हो भी सकता है कि तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट आ जाए हो जाए और तुम कोई भी एग्जाम क्रैक ना कर सको, बट दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन गिविंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं दिए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरती थी, तो आई वॉज वेरी न्यूट्रल अबाउट इट कि हाँ आई विल गिव माई बेस्ट, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, नहीं तो कुछ और कर लेंगे, लाइफ डज नॉट एंड। बट एक क्वेश्चन है, जैसे अभी तुमने बोला काफी लोगों को लगता है कि यार कैट बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट इंडिया के अगर टॉप 4-5 टफेस्ट एग्जाम्स की बात करोगे ना, यूपीएससी, नीट, जेई वगैरह, तो उसमें कैट का भी नंबर आता है, काफी लोग बहुत टफ कंसिडर करते हैं। सच में इतना ही डिफिकल्ट है क्या कैट जितना हम लोग डरते हैं? नहीं उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक साल में नहीं मिलेगा तो सेकंड ईयर में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड ईयर में मिल जाएगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा उसका रिजल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक, और मोस्टली अगर आप सही कर रहे हो सब कुछ आपका फर्स्ट ईयर में क्रैक हो जाना चाहिए। लेकिन 2-3 साल हिम्मत रखना तो सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात तो नहीं है, बट सर कभी कभार आपका वो एक 0.1% चांस होता है कि आपका लक काम ना करे, नहीं तो ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाता है, इफ दे हैड द जर्नी राइट, इफ दे हैव डन एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। चलो उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करते हैं, पहले मैं थोड़ा सिलेबस की बात करता हूँ। सिंस यू मेंशन कि तुमने अपने बैचमेट से थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया था, ठीक है, मतलब इन जनरल तुम्हें क्या लगता है कितने मंथ्स में या किस मंथ तक हमें कैट का सिलेबस कर लेना चाहिए? तुम कर पाई नहीं वो अलग बात है, बट इन जनरल तुम क्या सजेस्ट करोगी कि कितने महीने में या कब तक हो जाना चाहिए सिलेबस? आई फील कि जून तक तो डेफिनेटली एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी होती है उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक करे जा रहे हो जून तक, दैट वोंट सफाइस, आपको अपना जून तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका LRDI और वर्बल में कोई सिलेबस नहीं, आपका सिर्फ क्वांट का सिलेबस है जो आपको खत्म करना है जून तक, तो अगर आप वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो बेसिकली तो जून तक हो जाना चाहिए सिलेबस ताकि आप उसके बाद आप कह रहे हो कि रिवीजन वगैरह हो सके। बट काफी लोग होते हैं, जैसे अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, कुछ लोग जून से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सपोज करिए अगर कोई जून से स्टार्ट करे तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज मुझे लगता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसका सिलेबस हो जाना चाहिए, लाइक बाय 15th August या ऑगस्ट एंड तक मैक्सिमम। बट तुम्हारा क्या टेक है इसके ऊपर कि अगर कोई मान लीजिए जून में स्टार्ट करे तो क्या करे? सर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स एज वेल, अगर कोई बंदा जनवरी से स्टार्ट करके उतने नंबर ऑफ आवर्स ही डिनोट कर रहा है जिसने जून से स्टार्ट करा है, तो ऑब्वियसली आपको आउटकम सेम ही दिखेगा, मे बी थोड़ा सा 19-19-20 का फर्क होगा, ज्यादा नहीं दिखेगा, पर अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो आपको ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने स्कोर को कन्वर्ट करने के लिए, अगर कोई 6 घंटे पढ़ रहा है आपको मे बी 9 घंटे या उसको 10 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या एग्जैक्टली वो तो कह रहे हैं आपको, ऑब्वियसली जितना लेट आप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जी 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 आपने जैसे तुमने मेंशन किया ना वर्बल LR का सिलेबस तो इतना ज्यादा है नहीं, विच इज ऑब्वियसली ट्रू, तो एक बार मैं लाइक सेक्शन वाइज चाहता हूँ कि वर्बल के लिए मतलब हाउ शुड समबडी प्रिपेयर फॉर वर्बल, वर्बल भी लोगों को लाइक खासकर जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है ना
मैं बताता हूँ, उन लोगों को वर्बल से बहुत ज्यादा डर लगता है, बिकॉज वो पैसेजेस आजकल तुम्हें पता है वर्बल का लेवल कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो वो सर के ऊपर से जाते हैं, तो वो बेचारे क्या करे। मतलब मैंने तो इसको बाय हार्ट फॉलो नहीं करा था, लाइक मैंने काफी स्किप करा था, बट न्यूज़पेपर पढ़ना एक्चुअली में हेल्प करता है, पूरा और न्यूज़पेपर करता है की पूरा एडिटोरियल पढ़ न्यूज़पेपर। सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि आप न्यूज़पेपर में एक स्टोरी ढूंढ सको। लाइक जैसे आप गॉसिप कॉलम पढ़ते हो ना, आपको इंटरेस्ट होता है कि हाँ ये मैंने कल पढ़ा था, आज क्या हुआ उसके बारे में, परसों क्या होगा, तो आपको न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है आपको उसको भी एक गॉसिप कॉलम की तरह कनेक्ट करते करते कि ये होता आ रहा है। और जब मतलब जब मैं कैट की जर्नी कर रही थी तो मैं सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन पढ़ती थी, बट जब मैं अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती, तो मुझे वो फर्क दिख गया था कि मैं जब कनेक्ट कर पा रही थी स्टोरीज को तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में काइंड ऑफ मजा आता था, मैं पढ़ भी पाती, ये भी एक बट जब रीजन आप सिर्फ है। हाँ एडिटोरियल हाँ ये भी एक रीजन है कि लोगों को एडिटोरियल समझ क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको उसकी समझ बैकग्राउंड ही नहीं स्टोरी आती। पता ही नहीं होती है कि क्या चल रहा है, किस चीज के बारे में है, इसलिए भी वो डिफिकल्ट लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे वो 1 साल, तो वो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में और फाइनली आपकी बिजनेस स्कूल की जर्नी में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको एक फैक्टर देगा जो आपको बाकियों से डिफरेंशिएट कर पाएगा। गुड एंड गुड, न्यूज़पेपर पढ़ने से वर्बल तो बेटर होगी, बट हाँ अच्छा न्यूज़पेपर भी पढ़ो और आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली, बट सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, लाइक आप उसको सिलेबस की तरह मत काउंट करो, उसे एज अपना फ्री टाइम लो कि हाँ मैं अपने फ्री टाइम में कर रहा हूँ एक्स्ट्रा सेपरेट फोर्टी फ्रॉम फाइव वॉट आई मिनट्स 1 आवर एवरी डे। एक्स्ट्रा। ओके हाँ जी, अगर आपको जो सबसे ज्यादा कोई चीज हेल्प करेगी वर्बल के लिए तो वो है कि आप आरसी सॉल्व करो, क्योंकि हमारा वर्बल सेक्शन आरसी डोमिनेटेड होता है, तो आप आरसी सॉल्व करो, और 4 आरसी अगर आप रोज के कर रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली एक बूस्ट देगा, और आपके आई डोंट थिंक सो उस केस में 30 से नीचे आ सकते हो वो। और मुझे लगता है ये 4 RC डेली आपको पहले टाइमर लगा के करने चाहिए, बिकॉज आप एक्चुअली में वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट्स में करते हो ताकि आपको वो हैबिट बन जाए। शुरू में सर जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ो, कोई बात हाँ नहीं, ये कुछ तो बात, पहले दिन में तुम एक एक तुम पहले दिन में एक पढ़ लो, कोई नहीं दूसरे दिन में दो कर लेना धीरे। जब मैंने अपनी ये मैंने एक्चुअली LRDI से सीखा था, जब मैंने फर्स्ट डे अपनी पजल स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने यही सोचा था कि उस टाइम कोई भी पजल्स नहीं कर रहा था, सब क्वाड का सिलेबस कर रहे थे, सबने सोचा था LRDI तो बाद में करेंगे, बट मैंने बहुत स्टार्टिंग से ही पजल्स करना शुरू कर दिया था। तो जब मैंने फर्स्ट डे पकड़ी थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक ही दिन में 4 पजल्स करूंगी, मैंने कहा था कि यार मैं पहली बार ऐसी चीज से मेरा पाला बढ़ रहा है, मैं देखू तो सही है क्या, कितना टाइम लगता है, ईजी है मुश्किल है, और मैं पहले बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट बैंकिंग की पजल्स कर रही थी। तो अगर आपको कैट के आरसीज मुश्किल लग रहे हैं तो यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद इट, यू कैन स्टार्ट विद एन इजियर लेवल, समवॉट इट विल बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर इट, इफ यू आर स्टार्टिंग इन जनवरी और फेब्रुअरी, यू कैन स्टार्ट विद डूइंग सिंपलर आरसीज, सिंपलर पजल्स, सो दैट आप एक फाउंडेशन बिल्ड करो 2-3 महीने, और 2-3 महीने में यू विल सी कि आप खुद ही अपना लेवल इंक्रीज करना चाहोगे, क्योंकि वो आपके लाइक वो एक बिल्कुल, हैबिट ऑटोमेटिकली हम हो समझ आने जाएगी। लग गए हैं वो यू वुड लाइक टू चैलेंज योर एग्जैक्ट सेल्फ नाउ। तो बट दैट वुड वही, बी वो, हाँ वो उस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे आप पजल्स बेसिक से स्टार्ट कर दो, आपको आरसी भी बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, रादर देन सीधा कैट के आरसीज पे जंप करना, जो एक मेरी मिस्टेक थी, मैंने सीधा कैट के आरसीज पे जंप करा। जी, ओके। और कुछ हद तक जैसे कई लोग बोलते हैं नॉवल रीडिंग वगैरह, डज दैट हेल्प? बिकॉज इनिशियली अगर आप जेन से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आप नॉवेल्स वगैरह रीड करो, तो तुम्हें क्या लगता है उससे कुछ बेनिफिट होता है थोड़ा बहुत? बेनिफिट का तो पता नहीं, बट आपकी रीडिंग स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ जाती है क्योंकि आप वो बहुत भी बहुत बेनिफिट ज्यादा हुआ पढ़ ना। रहे हो। हाँ सो मतलब इफ यू वांट कि अगर आप जल्दी जल्दी रीड कर सको तो या दैट वुड बेनिफिट यू, बट एज सच डू इट एज अ फन थिंग, नॉट डू नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, अगर आपको ऐसे ही मजे में करना है, क्योंकि आपके पास कैट के कोर्स के अलावा ना और भी बहुत चीजें होती है जो आप अपने फन टाइम या एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हो अपने डे में टू रिलैक्स आफ्टर यू हैव स्टडीड, तो उसमें आपकी नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स और आपके आर्टिकल्स और सुडोकू और ये सारी चीजें काउंट होती हैं, तो उसको एज अ कोर्स मत काउंट करो।
मतलब एक्स्ट्रा में करो, ताकि वो थोड़ा आपको पढ़ाई से एक रेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है. सर इसका एक बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि अगर आप सपोज अपने दिन में सपोज आपने 4 घंटे पढ़ लिया कैट के लिए, तो अगर आप 3 घंटे रेस्ट टाइम में ये सब चीजें कर रहे हो तो आपको वो रेस्ट टाइम लेते हुए आपको गिल्टी नहीं फील होता, आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक्चुअली में प्रोडक्टिव हो रहे हो अपने डे के साथ, तो आप हाँ, गिल्टी नहीं फील करोगे कि आपने पूरा दिन यू फोन नो पे सीरीज सीरी टीवी सीरीज देखी, देखते हो। हाँ नेटफ्लिक्स पे लगे रहे, अमेजोन पे लगे रहे, ये भी सच है. या कि पर्सनली आपको लगता है आप कहीं ना या कहीं सो पढ़ाई के आपको टच में हो. हो क्या प्रोडक्टिव तो हो, एटलीस्ट बेला बंदी तो नहीं कर रहे बेसिकली। बिल्कुल. और LR की बात कर रही थी तुम, LR में भी द वे यू डिड लाइक पहले थोड़ी बेसिक, बिकॉज LR भी काफी डिफिकल्ट हो गया है. एंड यू नो इस बार का LR तो काफी टफ था, जिसमें दो पजल्स करना भी मुश्किल हो गया था. उसके लिए मैं खुद एक पजल 1.5 पजल करके एक आई पूरी हूँ। करके आई थी, सेकेंड वाली में थोड़ा आधी हुई थी, आधी हाँ रह गई थी, आई रिमेम्बर दैट. बट अगर सजेशन देना हो या तुम दोबारा से करती तो कैसे करती? सर मैं रोज की 2 पजल्स करती थी, तो अगर मैं सजेशन दूंगी तो आप रोज की 4 पजल्स करो, और आपको जरूरी नहीं है कि सीधा कैट लेवल या डिफिकल्ट पजल्स से जाना है, आप एकदम बेसिक पजल्स से सॉल्व करो। और वंस यू हैव जो मेरी बेसिक बुकलेट थी पजल्स की, उसमें 50 पजल्स थी, तो मैं रोज दो दो करते, मैंने 25 दिन में आई थिंक वो पजल्स निपटाई थी, और मैं रेगुलरली करती थी, आई डिड नॉट स्किप इट अ डे। अगर मेरा एक दिन स्किप होता था तो मैं अगले दिन 3 पजल्स करती। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप रोज की 2 की बजाय आप 3 4 जितनी आप करना चाहो एटलीस्ट दो दो करो, 3 4 तक भी आप जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जब आपकी वो 50 पजल्स कंप्लीट हो जाए, अगर आपको लगे कि आप फ्लुएंट हो गए तो वेल एंड गुड, आप हायर लेवल पे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको लगता है अभी भी आप अटक रहे हो, रीडू दो पजल्स। पजल्स लोग दोबारा नहीं करते, मैंने बहुत बार देखा है कि एक बार एक पजल को करके छोड़ देते हैं, बट बिल्कुल रीडूइंग पजल्स एक्चुअली हेल्प्स बिकॉज इट मेक्स योर स्पीड फास्टर, और आपको पता चल और मजा ज्यादा आता है क्योंकि आपको आंसर कुछ कुछ का हाँ, याद मतलब होता है। बिल्कुल तो आई बिल्कुल एम समथिंग कि मैं मेमोराइज कर लेती, मतलब मेरी मेमोरी में कहीं ना कहीं आ जाता था कि ये ऐसे ही हो, तो काफी हेल्प करता था। तो उसमें कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ ये जल्दी सॉल्व हो गई. हाँ उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो अगर आप पहली बार 10 मिनट में कर रहे हो, आप दूसरी बार 7 में करो, तीसरी बार 5 मिनट में करो, रीडूइंग पजल्स विल ऑलवेज बेनिफिट। बिकॉज लेकिन जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम कोई पजल करते हो ना, तो जो उसकी इन डेप्थ नॉलेज है वो भी आपको बेटर समझ आती है. आपको एक्चुअली पजल समझ ही 2-3 बार के बाद ढंग से आती है कि अच्छा ये इस तरीके से डेप्थ इसमें दी गई है. हाँ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप फिर बेटर मेथड भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मैं हाँ एक्चुअली मैं इसको कैसे जल्दी करूँ, तो नो डूइंग पजल पहला चैलेंज आपका डूइंग पजल होता है, सेकंड चैलेंज होता है कि डूइंग इट इन द बेस्ट वे। तो आप वो पहली बारी में नहीं निकाल पाते, आपको 2 3 बारी लगती है करने। तो बेसिकली एक एक दो दो पजल से स्टार्ट करके धीरे धीरे चार चार पजल्स तक चले जाओ, ठीक है. एंड आई थिंक कैट की हाँ जी पजल्स जो हैं वो तो सबके लिए मैंडेटरी हैं, बिकॉज दे आर द एक्चुअल रियल गुड पजल्स. बट सर कैट की पजल्स मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा तो ऐसा हो गया था कि मुझे एक्चुअली में एक एक पजल बाय हार्ट मेमोरी से आती थी, कोई ऐसी पजल नहीं थी जो मैं सॉल्व ना कर सकूं टिल एंड। इवन मैंने जैवलिन थ्रो और द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्ट पजल्स भी एक वे ढूंढ लिया था। अगर मुझसे मुझसे खुद से सॉल्व नहीं होती थी, मैं मेमोराइज कर लेती थी, मैं मतलब ये थोड़ी बेकार आते थे बट मैं कर लेती मतलब थी ये तो कोई मेमोराइज। तो इट वाज लाइक कि आप किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करो, वो आपका एंड गोल होना चाहिए। लेकिन मतलब इसमें हेल्प ये भी होती है कि अगर आपको टफ पजल्स का पता है तो आप एग्जाम में ये भी जज कर सकते हो ना कि हाँ यार ये टफ पजल है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इजी ढूंढ लेते हैं. बिकॉज इस बार भी ये हुआ है कि जो इजी पजल्स थी ना वो लोग पिक नहीं कर पाए और रॉन्ग पजल्स में ही उलझे रहे. ये भी तो एक 40 मिनट के सेक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत है. वो तो सर कैट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको हर चीज के लिए आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि शायद LRDI के उसमें पजल्स आई ना कुछ और आ जाए तो आप क्या करोगे, तो बिल्कुल बिल्कुल. यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट सेक्शन जो क्वांट आता है वो तुम्हारा काफी फोर्टे था और फेवरेट था काफी, राइट? यू वर मतलब ऑलवेज गुड इन क्वांट, एंड आई थिंक यू गॉट गुड स्कोर इन क्वांट इन एक्चुअल कैट ऑल्सो.
तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे, बिकॉज काफी लोग तो क्वांट में ही पूरा साल निकाल देते हैं. सर क्वांट के लिए पहली चीज जो मैं एक्चुअली आई डोंट नो लोगों को एडवाइस बहुत बेकार लगता है, बट मेरे को अरिथमेटिक्स से कहीं ज्यादा एडवांस टॉपिक्स पसंद थे। मैंने मुझे वो ज्यादा इजी लगते थे कंपैरेटिवली, क्योंकि आप जितना टाइम अरिथमेटिक पे डिनोट करते हो ना, अगर आप उसका आधा भी एडवांस टॉपिक्स को दे दो ना, तो आप डेफिनेटली काफी क्वेश्चन अपने पेपर में ढूंढ पाओगे। तो जो बच्चे सोचते हैं कि हम एडवांस टॉपिक करके भी नहीं जाएंगे, हो सकता है कि आपका पेपर ही एडवांस टॉपिक से डिनोटेड हो। एंड एडवांस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और इनइक्वालिटीज वगैरह जो भी सब कुछ आता है, आई फील लॉगरिथम एज वेल, वो सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक से कहीं ज्यादा आसान होते हैं। अगर आपने 11th 12th तक मैथ्स पढ़ी होती है, आपको वो एक्चुअली में इजी लगता है, और उनके क्वेश्चंस भी काफी जल्दी सॉल्व होते हैं अरिथमेटिक्स से कंपैरेटिव। तो फर्स्ट सजेशन वुड बी टू नेवर स्किप दीज टॉपिक्स। सेकंड सजेशन वुड बी टू गिव देम इक्वल टाइम एज यू गिव योर अरिथमेटिक प्रैक्टिस। तो आई हैव सीन पीपल इन माई बैच ओनली जिन्होंने एडवांस टॉपिक्स की बेसिक बुकलेट्स भी खत्म नहीं करी थी, उनके वो सेट्स भी नहीं पूरे हुए थे। तो हम जितना, और एडवांस टॉपिक्स करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ कैट के क्वेश्चंस भी रिपीट पे कर लो वो वाले, तो एग्जैक्टली उससे भी उससे भी आइडिया काफी ज्यादा, लगता उससे बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो ये है कि आप एडवांस टॉपिक्स को मत स्किप करो। दूसरा सजेशन ये होगा कि आप 40 क्वेश्चंस इन अ डे जरूर करो। तो फोर फोर्टी पजल्स, क्वेश्चन फोर आर्स बारह की 40 क्वांट के क्वेश्चंस और एंड 40 पॉइंट के क्वेश्चन यू विल गेट 99 है मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली. प्रोबेबली अगर आपका लक खराब है तो बट ओके एक्चुअली हाँ 40 क्वेश्चन आई फील नेसेसरी, ये तो मैंने भी करा है अपनी जर्नी में। इसमें जैसे एडवांस वाली पार्ट है वो मैं भी कभी नहीं कहता. ऑब्वियसली हम खुद कहते थे कि भाई सब लोग करो, एटलीस्ट सारे एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस तो आप कर पाओगे ना. एडवांस अलजेब्रा और लाइक लॉग है वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है. बट फिर भी एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस से देखी है, आपके बैच में भी आप कह रहे हो, वो क्या होता है कि एक जिसने 10th के बाद मैथ्स नहीं टच किया ना, नॉर्मली जो नॉन इंजीनियर्स हैं वो 10th के बाद मैथ्स के टच में होते नहीं है, तो उनके लिए ना एडवांस्ड मैथ्स मतलब एक बहुत बड़ा हुआ होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी स्केयरी फॉर देम. और उनको परसेंटेज, तो एवरेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह थोड़ा बेटर समझ आता है, तो उनको लगता है हम यहाँ से निकाल लें. हालांकि 50% के करीब पेपर उस एरिया से भी आता है, ये बात भी सच है. तो ऑब्वियसली दोनों को बराबर ही वेटेज देनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो नॉन इंजीनियर्स हैं वो थोड़ा सेकेंड पार्ट या एडवांस पार्ट से डरते हैं. ऑनेस्टली अगर आप अभी नहीं करोगे तो मैं और सच बता देती हूँ, लाइक अभी मेरा प्री स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ, मेरा सबसे पहला कोर्स जो है वो इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स है, जिसके टॉपिक सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लॉगरिथम, देन हमारा इनइक्वालिटीज, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो तो तो खैर हम अगर आप करते ही अभी नहीं तो करोगे, फिर एमबीए में फंस अभी नहीं करोगे तो जाएंगे. बाद में एमबीए में फंस दोगे। अभी फंस जाओ, अभी कर लो, करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये। दैट इज करेक्ट. अगर नेक्स्ट आगे लाइक मॉक्स की बात करूं तो मतलब कितने मॉक्स काफी हैं एंड मॉक्स की क्या इम्पोर्टेंस लगती है तुम्हें एक्चुअल कैट की जर्नी में? मॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक रियलिटी दिखाते हैं, अगर आप जेन्युइन तरीके से दो तो। अगर आप एटलीस्ट 40-50 मॉक्स नहीं दे रहे अपनी कैट से पहले, तो मतलब फिर तो आप ऐसे ही टाइम पास करने जा रहे हो अपने पेपर में। ये जेन्युइन तरीका और वाला चीज अगर भी इम्पोर्टेंट है, मैं स्ट्रेस करूंगा उससे. बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं, जैसे घर पे मॉक दे रहे होते हैं आजकल, ऑनलाइन मॉक देते हैं, काफी मॉक घर पे होते हैं, तो लोग उसे 2 घंटे के उस रिगरस वे में देते ही नहीं है. वो या तो बीच में सबमिट कर देते हैं या बीच में घूम रहे हैं पॉज करके. कुछ कुछ मॉक्स पॉज हो जाते हैं कई जगहों पे, तो ऑब्वियसली वो सीरियसनेस होनी चाहिए. हाँ जी. एंड
और सिर्फ कैट के मॉक्स मत दो, आई वुड गिव दैट एज अ सजेशन, क्योंकि कैट के अलावा और भी पेपर्स हैं. अगर इस टाइम आपके पास टाइम है, हम सिर्फ कैट कैट करते रहते हैं, बट आप स्नैप के मॉक्स उठा के दे दो बीच में, आप बैंकिंग के मॉक्स दे दो, आप अपने आई एफ टी के मॉक दे दो, आप जैट का दे दो मॉक, जैट का सिर्फ कैट के ऊपर इतना सेंटर फोकस्ड रहोगे तो आपको कैट धोखा दे सकता है, वो मत करो. आप सारे एग्जाम्स का लेके चलोगे, वो आपको एक्चुअली में कैट में हेल्प ही करेगा. एंड मैं जिसने आई थिंक सितंबर से स्टार्ट करके अक्टूबर तक रोज दो बैंकिंग के मॉक्स दिए थे, लाइक हाँ तो मैं एक मैं अपनी कोचिंग में डेली दे थी, एक मतलब चार चार तीन तीन चार चार घंटे की तो तुम डेली पहले क्लास लेती थी एंड देन उसके बाद यू स्टार्टेड टेकिंग मॉक ऑलमोस्ट एवरी डे राइट, वो भी बैंकिंग के। एक मैं हाँ एक मैं कोचिंग में ही दे देती थी जहाँ सारे बैंकिंग के बच्चे बैठे होते थे उनके साथ बैठ के, और एक मैं अपने घर जाके देती थी रात को, जब मेरा सारा कैटरी था जो भी मुझे पढ़ना था उस दिन खत्म हो जाता था, तो मैं रात को एक मॉक देती, क्योंकि 1 घंटे का मॉक होता था और एक्चुअली में मजा आता था, कितनी जल्दी पता भी Exactly. नहीं चलता था अब शुरू हुआ और अब खत्म हो गया. और उसमें ट्वेंटी तो ट्वेंटी आई में वुड सजेस्ट भी सेक्शन को हैंडल करना जब आता सेक्शन था तो वाले 40 मिनट का सेक्शन भी इजी लगता था। और वो आपकी स्पीड इस तरीके से बढ़ा देगा कि आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस चीज ने मेरी स्नैप में इतनी ज्यादा, क्योंकि मैंने कभी खुद स्नैप का मॉक इससे पहले नहीं दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि 1 घंटे का पेपर होता है क्या. सेम फॉर एनमैट, मुझे नहीं पता था वो 2 घंटे का था, बट स्नैप के मॉक में इतनी मेरी स्पीड ऑलरेडी बैंकिंग की वजह से, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ क्रैक करा हुआ था, तो मेरी स्पीड ऑलरेडी उसकी वजह से इतनी फास्ट थी कि स्नैप के मॉक्स मुझे मुश्किल नहीं लगते थे, जबकि मेरे बाकी बैचमेट्स को उनमें जब मैं इनकी आराम वजह से से 42-45 स्कोर कर पा रही थी, वो 30-35 में ही स्कैटर कर रहे थे, तो 10 मार्क्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता मतलब नॉर्मली कैट के लिए जैसे टेस्ट सीरीज लोग खरीदते हैं ठीक है, आई ऑल्सो रिकमेंड कि कम से कम दो टेस्ट सीरीज तो आप लो इतने बिकॉज आपको मॉक देने चाहिए। तो कोई तुम्हें स्पेसिफिक लगती होगी ये बेटर रहती हैं टेस्ट सीरीज देने के लिए, एनी सजेशंस ऑन दैट? है. तो टेस्ट सीरीज पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल पेपर वैसे नहीं आने वाला, और जो कैट का पेपर होता है वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है, वो एक डिफरेंट पेपर होता है, और टेस्ट सीरीज कभी भी वो लेवल मैच कर ही नहीं पाती, चाहे वो किसी की भी टेस्ट सीरीज हो, बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइक आई एम एस टाइम, किसी की भी हो, क्योंकि मैंने खुद आई थिंक सीएल की ली थी, तो व्हेन आई सॉ द टेस्ट सीरीज तो मुझे यही दिखता था कि जो कैट के क्वेश्चंस थे उनके नंबर्स चेंज होके, उनके नाम चेंज होके, वही क्वेश्चंस रिफर्बिश होके आ रहे थे आपके पास, सेम विद आरसी, थोड़ा बहुत इधर उधर से, जिस बुक से उन्होंने आरसी उठाया होता है उसी बुक का नेक्स्ट पैराग्राफ उठा के आपको सेम आरसी दे देते, वो तो तो खैर है क्योंकि कि दैट इज हाउ मॉक्स आर क्रिएटेड, बट इसे सुन के ऐसे लग रहा है तुमने सिर्फ सीएल के मॉक दिए थे क्या? मैंने आई थिंक सर मैंने मेरा एक फ्रेंड था जिसने आईएमएस के लिए थे, तो मैंने आईएमएस के भी दिए थे, मैंने सीएल के भी दिए हुए हैं, और लास्ट ईयर मैंने टाइम के भी दिए हुए हैं, और ऑब्वियसली मैंने सेल्फ पेस के भी दिए हुए हैं, तो आई डोंट वही थिंक मैं मैंने सोच किसी रहा के था कि मॉक्स सेल्फीज के छोड़े भी दिए हैं. थे कि नहीं दिए थे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि सेल्फीज के मॉक दिए नहीं थे। बट नहीं, बट सेल्फ पेस के मॉक्स में जेनुइनली मतलब एटलीस्ट ऐसा नहीं होता था कि आपको रेपिटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलते थे, एटलीस्ट इट वाज समथिंग डिफरेंट जो हम एक्सपीरियंस करते थे. ओके सो तो टेस्ट सीरीज फाइनली पे जस्ट दैट की इतना रिलाई नहीं करना चाहिए, टेस्ट सीरीज जैसा पेपर नहीं आएगा, आप दो उसे एज अ पेपर ट्रीट करो, बट उससे मतलब आप डिफरेंट एक्सपेक्ट ही मत आएगा. करो कि यही टाइप का पेपर आएगा, गो विद द ओपन माइंड राइट। या ओके और लास्ट 2 मंथ्स में जैसे अक्टूबर नवंबर में क्या कोई और स्पेसिफिक काम करना चाहिए कि जिसको विद द फ्लो? अक्टूबर नवंबर में आई थिंक सिर्फ मॉक्स देने चाहिए, और पढ़ाई जो आपको मॉक्स में लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे डिफिकल्टी आ रही है, या ये मेरा अच्छा है, ये मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो वो सब करना चाहिए, बट मेजरली आपको वो मॉक्स डोमिनेटेड करना चाहिए. अक्टूबर में आपको अपना सिलेबस कुछ भी नया नहीं करना चाहिए जो आपने ऑलरेडी नहीं करा बेसिकली हुआ. मॉक्स उनका एनालिसिस उनके बेस पे जो वीकनेसेस हैं वो सब राइट। आप अपना वो रूटीन कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आप 4 पजल्स, 4 आरसीज कर रहे हो, एक फॉर्म दे रहे हो, थोड़े बहुत क्वांट के क्वेश्चन कर रहे हो, बट जब आप मॉक दे तो आपके ऑलरेडी दो चार पजल्स, 4 आरसीज और 40 मतलब 20-30 क्वेश्चंस तो कवर हो ही रहे होते हैं, तो उसमें काफी कुछ कवर हो जाता है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप रोज के दो मॉक्स दो बैक टू बैक, एक सुबह दिया एक शाम दिया, एक सुबह दिया एक शाम.
सो फाइनली डे की बात करते हैं, जिस दिन एक्चुअली कैट होता है, बिकॉज यू मेंशनड कई बार कि एक लक फैक्टर है, लोगों को भी ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि उस दिन उस 40 मिनट के सेक्शन में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि चीजें कैसी जाएंगी, आपने रॉन्ग पजल कर ली तो क्या होगा. तुम्हारा एक्सपीरियंस डेफिनेटली कैसा रहा, बिकॉज ये पेपर इस बार काफी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, वर्बल भी, एंड स्लॉट 1 मॉर्निंग स्लॉट था तुम्हारा, तो हाउ डिड इट गो? तो आई वाज गोइंग विद अ ब्लैंक, वो कि कुछ नहीं पता क्या होने वाला है इसमें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है जिनमें. बट मैं आई एम समवन कि मैं अपने पेपर्स देते वक्त बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ. मुझे अगर मुझे पता है कि मैं जो भी कर सकती थी, जितनी तैयारी कर सकती थी मैंने करी हुई है, तो मैं अपने पेपर्स देते वक्त कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट या मुझे डर नहीं लगता पेपर्स देते वक्त. तो जब मैं कैट में गई थी तो आई वेंट विद अ नॉर्मल, वो मैं ना ज्यादा एक्साइटेड थी ना ज्यादा डरती थी. आई वॉज वेरी काम कंपोज्ड, और मैंने अपना पेपर जैसे मैं अपने सारे पेपर देती हूँ दिया था. बट मेरी एक बात है कि मेरे को पेपर देने के बाद पता नहीं होता कि मैंने कैसा पेपर दिया, नहीं, उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. लेकिन बट आई स्टिल तो रिमेम्बर, मुझे हम फोन पे बात कर रहे थे कि तुम्हारा स्लॉट का जब पेपर गया, तुम्हारा सबसे नजदीक स्लॉट पड़ा था और हम लोगों का काफी दूर नोएडा पड़ा था, एंड दैट टाइम मतलब द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू वेंट थ्रू, यू मेंशन दैट कि ऐसा ऐसा गया है. सब कुछ ठीक रहा था. मुझे नहीं लगा था कि मैं कुछ ज्यादा बुरा करके आई थी पेपर में. नहीं, मैंने बुरा सर तो को कहा था कि सर पजल मुश्किल थी, बट हाँ मैंने एक कर ली थी और एक और आधी कर ली थी. मैंने सर को ये बोला कि पजल्स बहुत मुश्किल थी और पजल्स आपसे दो हो जाए बहुत बड़ी बात है. मतलब मुझे नहीं लगता कोई बच्चा दो से ज्यादा करके आया होगा. क्वांट में भी मैंने सर को कहा आराम से 10 क्वेश्चन करे मैंने, और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गलत करे, सही होने चाहिए कौन सारे. से सर को? और वर्बल में भी मैंने आपको ही बोला था सर अच्छा, कि क्वांट में मैंने 10 क्वेश्चन दस करे, ग्यारह और क्वेश्चन हाँ करे, 10 एंड वो ऑलमोस्ट सारे ही मैंने सेम थे. करे, मैंने करे तो 17 थे, बट बाकी वो टाइपिंग टीटा वाले थे जो बाकी के थे 4-5, तो उनको मैं काम नहीं करती क्योंकि उन्हें मतलब वो आई गलत थिंक हो ट्वेल्व सकते हैं, वो जेनविन नहीं होते. थर्टीन 12-13 तो तुमने सही अटेम्प्ट करे थे, और दो चार जो टीटा होता है कभी खाली छोड़ने में नहीं चाहिए. बट यहाँ पे हाँ एक वो भी पॉइंट है. था और कि नहीं जब रिस्पॉन्स शीट आई, ठीक है, बिकॉज मतलब क्वांट, एलआर, नॉर्मली वर्बल भी तुम्हारे सारे सेक्शन बहुत अच्छे रहे हैं. इट नेवर हैपेंड इन लाइक किसी भी मॉक में, शायद एक बार कभी हुआ हो, अदरवाइज योर लाइक स्कोर्स वर ऑलवेज कंसिस्टेंट. तो जब रिस्पॉन्स शीट आई, स्कोर्स वगैरह देखे, तो क्या रिएक्शन रहा? एग्जैक्ट सेम फीलिंग जो अभी हो रही है कि नम हो रही हो. उस टाइम आई वाज नम, आई वाजंट फीलिंग एनीथिंग. तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज नहीं होते कि एक्चुअली में मेरा वर्बल इतना ज्यादा खराब हुआ है, और मेरे वर्बल में एक्चुअली में 7 या 8 नंबर थे. तो ओके, आई वाज स्केयर्ड कि ये क्या हो गया मेरे साथ. और मैंने जब और मेरे ख्याल से अपने, कभी क्योंकि मॉक में भी मेरा तुम्हारे 25-30 से नीचे लाइक मतलब रेयरली कभी आते थे, क्योंकि तुम्हारा वर्बल वाज रियली तब मेरा गुड. वर... मतलब मेरा वर्बल ऐसा था कि आई हैव इवन स्कोर्ड 45, आई हैव इवन स्कोर्ड हाँ, 50 इन अ मॉक. और एग्जैक्टली. बट एक आध कोई ऐसा मॉक था जिसमें मैंने देखा कि यार इसमें तो तेरे 6, 7 या 1 आए हुए हैं वर्बल में, मेरे 1 भी आए हुए हैं वर्बल शायद मॉक. एक बट वो एक्सेप्शनल मॉक आउट, थी. एक एक्सेप्शनल मॉक आउट ऑफ 30 मॉक्स, इट वाज 2 मॉक्स जिसमें मेरा खराब स्कोर था. एंड हु थॉट कि जब मैं एक्चुअल कैट का पेपर देने जाऊंगी तो वो आउट ऑफ 30 वो 2 की प्रोबेबिलिटी लेगा. तो लेकिन ये ऐसा तो क्यों इट हुआ वॉज अ तुम्हें? क्यों लगता शॉक. है कि ये कैसे हो गया कि मतलब यू आर रियली गुड इन वर्बल, आई नेवर फाउंड एनीथिंग रॉन्ग विद इट, तो ऐसा क्या लगता है कि उस दिन क्या हुआ? वर यू अंडर प्रेशर और व्हाट हैपेंड एक्चुअली? सर डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ प्रेशर, डेफिनेटली नॉट बिकॉज कि मैं प्रिपेयर नहीं थी. आई हैड डन एवरीथिंग फॉर वर्बल. मे बी आई कुड हैव डन बेटर, मे बी आई कुड हैव डन मोर आरसीज, बट आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट. मेरे मॉक्स में भी काफी अच्छा आ रहे थे. सो ओनली थिंग आई कैन ब्लेम इट ऑन इज माई लक फैक्टर कि हाँ उस दिन लक काफी खराब था, और एक्चुअली में कोई चाहता था कि मैं एक्सेल आ रही जाऊँ. ओके, तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि बहुत खराब कैट होने के बाद भी, मतलब बाकी दोनों सेक्शन वर गुड, दैट्स व्हाई, और वर्बल में दैट वाज अ शॉक फॉर लाइक ईच वन ऑफ अस. उसके बाद भी यू गॉट 95+% इन कैट. कैन एनीबडी इमेजिन कि वर्बल में 7 स्कोर के बाद समबडी कैन स्कोर 95% आया. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो कितना बाकी में अच्छा किया होगा, ठीक
अनवर्बल में देर वॉज नो रीजन फॉर इट ऑनेस्टली, बस यू नेवर नो एट टाइम्स इट हैपेंस, वो वाली चीज हो रही थी. उसके बाद भी बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना होने की वजह से यू डिड नॉट गेट कॉल. अदरवाइज अगर मेरे को लगता है उसमें 25-30 नंबर तो बहुत कॉमन थे, अदरवाइज वी वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट ABC FMS जो तुम्हें आराम से मिल जाते. लेकिन उसके बाद भी लाइक हाउ डिड यू मोटिवेट योर सेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स दैट फॉलोड, और हर एग्जाम में यू गॉट 99+ परसेंटाइल, बिकॉज वो स्कोर देखने के बाद काफी बार जब रिस्पॉन्स शीट आती है उसके बाद लोगों में हिम्मत नहीं बचती कि यार अब हम और एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं. बट हाउ कुड यू मोटिवेट योर सेल्फ? तो बेस्ट थिंग वो कि मैं नम थी उस टाइम पे, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज नहीं करे थे. मैंने मतलब ना मुझे वो मतलब मुझे पता था कि मेरे कैट में खराब आए, बट मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली मैं रियलाइज नहीं होते कि ओ क्या हो गया मेरे साथ. तो आई वाज नॉर्मल, मैं थोड़ी उस टाइम पे भी काम थी क्योंकि मेरे को एक्चुअली मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं चले थे. तो और मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि मेरा जब मैं कैट देकर आई थी 27, आई थिंक 27 नवंबर को होता या है, आई डोंट इस रिमेम्बर बार हुआ नवंबर था ट्वेंटी करेक्टली. सेवन नवंबर तो या उसके बाद 5th ऑफ दिसंबर को मेरा NMAT का पेपर स्केड्यूल था, तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था. और मैंने डिसाइड कर रखा था कि जो भी मेरा कैट और NMAT के बीच का टाइम होगा उसमें मैं NMAT के मॉक्स दूंगी रोज. तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था, मेरे को सिंक इन भी नहीं हुआ था कि मेरा कैट खराब हुआ है. बस मतलब मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ था. तो मैं अपने NMAT के मॉक्स दे रही थी, मैं NMAT का पेपर लेने गई और मेरे उसमें 242 का स्कोर आया, जबकि मेरे मॉक्स में 270+ के स्कोर आ रहे. तो आई रिमेम्बर कॉलिंग सर एंड टेलिंग हिम कि सर ये क्यों हुआ है, मेरे मॉक्स में 270, यार मैं क्या करके आ रही हूँ पेपर्स में, ये चल क्या रहा है. तो सर यही बोल रहे थे, सर मतलब मुझे याद है आप ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या है, शायद से तुम्हारा वैसे तो चलो इतना खराब नहीं है, तुम जितना परफॉर्म करती हो उससे तो खराब है, बट एग्जैक्टली. होपफुली अगर तुम्हारी सेक्शनल सारी क्लियर हो गई तो हो जाना चाहिए. तो मेरी सेक्शनल सारी NMAT में क्लियर हो गई थी और मेरे को NMAT में सॉफ्ट लेटर भी आ गया था. और NMAT के 5 दिन बाद मेरा स्नैप का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके 6 दिन बाद मेरा IMT का अटेम्प्ट था, उसके नेक्स्ट 5 डेज बाद मेरा स्नैप का सेकेंड अटेम्प्ट था, और उसके नेक्स्ट 10 डेज बाद जैट का पेपर था. तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था कैट के लिए दुखी होने का, मैं सिर्फ पेपर्स दे रही थी उस टाइम पर. मेरे पेपर्स ही ऐसे स्केड्यूल थे कि आई डिड नॉट हैव एनी टाइम टू मोर्न ओवर इट. तो तुम कह रही हो कि बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था एग्जाम के बीच में रोने पीटने का, इसलिए मेरे पास डिमोटिवेशन का कोई सीन ही नहीं बचा है ना, लाइक केप्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स. मतलब यस सर, मतलब मेरे पास एक तो मुझे सिंकिंग भी नहीं हुआ था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कि मेरा मे बी मुझे 1 साल और रिपीट करना पड़े, मुझे कुछ भी सिंकिंग नहीं हुआ था उस टाइम पे. और मैंने यही सोच लिया था, ऑल्दो मैंने बैकअप ऑप्शंस रखने शुरू कर दिए थे, बट हाँ मैं अपने आराम से मॉक्स दे रही थी स्नैप के. मैं आई थिंक 4-5 मॉक्स दे देती थी मतलब, तो स्नैप का टेस्ट होता था. एग्जैक्टली. तो मेरा पॉइंट यही है कि मतलब तुम अभी कह तो ऐसे रही हो जो सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट वन. लेकिन यू नो कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज लोग इतना मतलब ऑब्वियसली कैट के लिए इतना प्रिपेयर, अगर कोई हार्डवर्क के साथ कर रहा है उसके बाद अगर कुछ भी करके कैट अच्छा ना जाए, एंड इट्स वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर एनीवन. और उससे दुख से उभरने में लोगों को एक महीना सर लग जाता है, और उतने में खुद बाकी के सारे एग्जाम चले जाते हैं. मैं एक्चुअली बाकी लोगों से और भी ज्यादा शॉक मतलब शॉक होना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे एक्चुअली सारा का सारा बिलीफ सिस्टम हिल गया था. क्योंकि मैं अपने बचपन से सोचते आ रही थी कि आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करोगे तो आपको मिल जाएगी. मैंने सोचा यार मैंने तो बहुत मेहनत करी है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मुझे ये नहीं मिला. क्योंकि मैंने एग्जैक्टली. 12th लाइक आई हैव अ स्टेलर एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब बहुत ही हाँ तुम अच्छा है. हमेशा से तो टॉपर और काफी इंटेलिजेंट रही हो. या आई नो दैट. मतलब मैं शॉक थी यार, 12th में मेहनत करी मार्क्स आ गए, 10th में भी कर ली थी उसमें भी आ गए, ग्रेजुएशन में भी इतने अच्छे मार्क्स आ गए, जब सबके लाइक सब 8 की CGPA के अराउंड स्ट्रगल कर रहे थे. आई हैड अ CGPA ऑफ 9.42. तो आई वाज लाइक ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, ये तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं कि मेरे पेपर में नंबर ना आए हो. तो थोड़ा वो उस टाइम शॉकिंग था, बट अगेन वो मुझे क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिंकिंग नहीं हुए थे तो मैं अपने नेक्स्ट एग्जाम पे मूव इन कर गई थी.
और मैंने हमेशा से ये कैट से पहले ही सोच रखा था, चाहे मेरा कैट अच्छा जाए चाहे मेरा कैट बुरा जाए, मैं अपने सारे एग्जाम दूंगी, मैं अपने सारे पेपर्स दूंगी। इनफैक्ट मैंने मुझे याद है कि मेरे सिम्बायसिस में 99.87% आने के बाद ही मैंने अपना टेस्ट का एग्जाम देने गई थी, तो इट वॉज लाइक आई डिड नॉट मिस एनी ऑफ माई एग्जाम्स। मैं फालतू से फालतू बैंकिंग के एग्जाम्स भी दे दे लेकिन एक होता है एग्जाम देना, एक होता है सिंसियरली एग्जाम देना, बिकॉज जो चीज बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है ना तुम्हारी जर्नी में, वो ये है कि सी ऑब्वियसली तुम्हारे कैट में भी 99 बनने ही चाहिए थे, आई फाइंड नो रीजन फॉर दैट। लेकिन शायद वो भी एक लेसन है बहुत लोगों के लिए कि अगर मान लो उसमें नहीं बने तो भी यू डिड नॉट गिव अप एंड यू केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, तुम्हारे हार्डवर्क में कोई कमी नहीं आई। आई नेवर सॉ दैट, जैसे तुमने बोला कि हार्डवर्क के बाद भी फ्रूट नहीं मिला, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, मार्क्स नहीं आए, लेकिन आज तो ये बात नहीं कह सकती ना, बिकॉज हार्डवर्क से एक मतलब एक में नहीं आया, लेकिन तुम्हारे पास इतने ऑफर लेटर हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी। बट अल्टीमेटली उसके बाद भी इंसान अगर कोशिश करता रहे, लगातार मेहनत करने की कोशिश करे, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके बाद भी उसके पास एक बहुत अच्छा ऑफर, एक बहुत अच्छा कॉलेज हो? डेफिनेट, मतलब मैं एग्जाम्पल ही हूँ, लाइक मेरा कैट में आई थिंक कैट से मेरे को सिर्फ आई एम रोहतक की कॉल आई है, और और मेरी बाकी की 8 कॉल्स बाकी एग्जाम से है। तो अगर आपका कैट क्रैक आईआईटी नहीं होता गाजियाबाद फिर ऑल्सो, भी आईएमटी गाजियाबाद कैन बी फ्रॉम दैट ऑल्सो, वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, क्योंकि आईएमटी गाजियाबाद दोनों एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता ऑल्सो, है, तो या हाँ, सो वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, तो आई वुड काउंट इट इन दैट ओनली। तो लाइक मतलब आप ये भी सोच सकते हो, अगर आपके कैट में अगर आप कुछ भी नहीं करते आप तो भी इंडिया के top 5 colleges में लैंड अप कर सकते हो, तो इट्स नथिंग लाइक कैट ही पूरा है, बाकी एग्जाम्स भी इक्वली सो इम्पोर्टेंट है। फाइनली जब जनवरी में जैट हो गया, मतलब स्नैप एंड मैट सबके रिजल्ट आने लग गए, उसके बाद फिर जब जनवरी में जैट के बाद जीडीपीआई की बारी आई, तो हाउ डिड यू लाइक प्रिपेयर फॉर योर जीडीपीआई? ऑनेस्टली मुझे लगता था कि मैं बुरी हूँ इंटरव्यूज में, लाइक आई थिंक आपको भी ओके पता होगा कि मुझे लगता था कि मैं इंटरव्यूज में खराब परफॉर्म करती हूँ, बट ऐसा शायद सच भी है, बट पता नहीं, आई थिंक एमबीए इंटरव्यूज वाले मुझे पसंद करते थे, तो लाइक उनको उन्होंने अच्छा मुझे ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं था जो मैं क्रैक नहीं कर पाई, लाइक उनको मेरे मतलब, बट हाँ, हाँ मेरी मतलब 999 प्रोफाइल ने मुझे मुझे हेल्प देखो करा है मेरे क्रैक करने में। वो तो खैर है, प्रोफाइल जेंडर डाइवर्सिटी आप चेंज तो कर नहीं सकते अभी, बट उसके बाद भी कुछ तो जीडीपीआई की स्ट्रैटेजी रही होगी, कुछ तो प्रिपेयर किया होगा कि ऐसे ही उठ के नहीं चले गए बिना तैयारी के? नहीं ऐसे उठ के नहीं गई, लाइक आपने मुझे 3 चीजें बोली थी और मुझे अभी भी वही 3 चीजें याद है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, अपना अपने प्रीवियस अकाउंट्स रिवाइज करो, और अपने सेल्फ के जो क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से कर लो, तो बस यही 3 चीजें होती है जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी सब हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए पर आप सिलेक्ट ना हो, मे बी क्योंकि वो हर एक कॉलेज के एडमिशन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, कुछ कॉलेजेस आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को 10-20% वेटेज देते हैं, कुछ आपके प्रीवियस अकैट्स को 30% वेटेज देते हैं, तो कुछ आपके जेंडर को 10% वेटेज दे देते हैं, तो आपको नहीं पता कि वो किस बेसिस पे आपको मार्क कर रहे हैं, तो कुछ कॉलेजेस का क्लियर भी होता है, बट अगर आपका बहुत अच्छे इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यूज खराब दे रहे हो, इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप बाकी किसी क्राइटेरिया में फेल कर दो, तो एज लॉन्ग एज आपके हर एक एग्जाम में 95+ परसेंटाइल एंड गिवन आपका अकैट्स प्रीवियस डिसेंट है, आप तो इंटरव्यूज अगर में भी डिसेंट अगर परफॉर्म कर मेरा सकते। एक ऐड सपोज करिए ठीक नहीं है, तो क्या शुडंट आई ट्राई फॉर लाइक द जीडीपीआई एंड शुडंट आई एस्पायर फॉर एमबीए? इट्स नॉट दैट बट यू विल हैव टू बी बेटर देन अदर्स देन, जिनके जो एग्जैक्टली बचपन अगर से आप, मेहनत मुझे करते लगता आ है रहे कि हैं इंटरव्यू में आप उनको, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, राइट, एफएमएस इज एन एग्जांपल, तो आप कर तो बाद में भी सब कुछ सकते हो, जो आपके हाथ में आप उतने उतना ही तो कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बस ये है कि आपको अपना इंटरव्यू उस टाइम पे जो आपके हाथ में है आप उसी पे कंट्रोल कर सकते हो, बट हाँ एग्जैक्टली डीमोटिवेट नहीं होना कि सब करने के बाद भी आप रिजेक्ट हो गए हो, मे बी उनका क्राइटेरिया ही कुछ ऐसा हो, एग्जैक्टली, तो बिकॉज काफी लोग इन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि मेरे 10th में 12th में या मेरा जेंडर ये है, मैं इंजीनियर हूँ, बट दैट इज नॉट इन योर हैंड नाउ। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अच्छा स्कोर लाते हो, तो स्टिल यू हैव ए वेरी गुड चांस एंड आपको अच्छा कॉलेज मिलता भी है, राइट? डेफिनेटली।
ऐसा तो नहीं है ना कि हर कॉलेज में वो ग्रेजुएशन को 10 या 20% मार्क्स एग्जैक्टली दे देंगे. फिर भी मेरे पास एक लिस्ट है, मतलब ऑल लाइक तुम्हारे हर कॉलेज का, मतलब हर कॉल 100% कन्वर्जन कॉल रेट है, एंड दैट टू इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट। मतलब ये भी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड लिस्ट में थर्ड लिस्ट में आया। आई हैव द लिस्ट विद मी, एक्सेल आर आई, बीएमबी, एचआरएमबी, आई एम रोहतक, एक कॉल आया था वो भी इन फर्स्ट लिस्ट, एसआईबीएम पुणे, सीएमएचआरडी, एनएमआईएमएस मुंबई, आईएमटी गाजियाबाद, एक्सआईएमबी, एंड आई थिंक नाउ आईएफटी आल्सो प्रोबेबली। तो ये कैसे हुआ है प्रॉब्ली ये, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल सर कि ये 100% कन्वर्जन। मतलब मतलब मैं खुद जो भी नहीं लड़की समझ पा कैट रही. के बाद ये सोच रही थी कि अभी क्या बैकअप देखूं, उसके पास अब इतने कॉलेजेस हैं कि वो रिजेक्ट करते करते थक गई है। एग्जैक्टली सच में मतलब मैं चाह रही हूँ मैं अपने ऑफर्स ना बांट दूँ. मैंने क्या करना है औरों का इतने भला हो मिस्ड जाए ना, ऑफर्स भला का. लोगों बट का। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड. या एक भी कॉलेज से रिजेक्शन क्यों नहीं आया. लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट फील अनट्रू टू मी. बट आई एम हैप्पी फॉर इट. मे बी इट्स बिकॉज की MBA कैसा कोर्स है जो आपकी अकेडमिक्स और आपकी जेंडर डाइवर्सिटी और अगर आप इंटरव्यू में डिसेंटली परफॉर्म कर रहे हो. क्योंकि इंटरव्यूज में दे डू नॉट लिसन टू व्हाट यू आर स्पीकिंग. दे आर बेसिकली सीइंग दैट हाउ आर यू कंडक्टिंग योर सेल्फ. व्हाट आर यू एग्जैक्टली पोजिंग योर सेल्फ. क्या आप काम रह पाते हो इंटरव्यू में जब एक स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट होता है. तो MBA कॉलेजेस के जो इंटरव्यूज होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया पे होते हैं रादर देन जब आप एक जॉब इंटरव्यू या कोई भी और इंटरव्यू देते हो. तो उनका क्राइटेरिया होता है कि ऐसा आपको सी ऐसा नहीं है, बिकॉज जॉब इंटरव्यूज भी लाइक मैंने भी काफी लिए हुए हैं। मतलब क्राइटेरिया ज्यादा वेरी नहीं करते, ठीक है। ऑब्वियसली द वे यू सेड कि एक काम कंपोज्ड बंदा चाहिए, बिकॉज एग्जाम वाइज तो वो देख चुके हैं कि आपने पेपर में क्या किया है। नाउ दे वांट टू सी यू एज अ पर्सन, तो आप एज अ पर्सन कैसे हो, कैसे कंडक्ट करते हो। मेरे ख्याल से लाइक आई वुड एग्री विद दैट पॉइंट। कि बेसिकली मतलब आई रिमेम्बर आपने बोला था कि एक FMS का स्टूडेंट आपको बता रहा था कि उनके टीचर ने उन्हें बताया कि आप कैसे दरवाजा खोलते हो. आप किस वे में अंदर आकर आप चेयर पर बैठे हो. आप किस वे में बात कर रहे हो से. आपने कैसे कंडक्ट कर रहा है. अगर आपको कोई किसी को आप रैंडमली मिलते हो तो आप कैसे बिहेव करते हो उनके साथ. मे बी आप जब कॉलेज में वॉक इन कर रहे हो वो रैंडम बंदा ही आपका इंटरव्यूअर है और आपने उसको देख के स्माइल नहीं करा या गुड मॉर्निंग विश नहीं करा. तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो वो देखते हैं. सो यू नेवर नो वॉट इट्स डेफिनेटली नॉट वॉट यू आर आंसरिंग और वॉट यू आर स्पीकिंग. बट दैट टू ऑल्सो मैटर्स, व्हाट यू आर आंसरिंग एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट? ऑफ कोर्स मतलब आप ब्लैंक नहीं हो सकते. आप उनको कुछ भी जाके तो नहीं बोल सकते. आप वर्क तो उसी पे कर रहे हो कि आप क्या आंसर दे रहे हो. बट हाँ उससे कहीं ज्यादा डिपेंड करता है आप कैसे दे रहे हो. ओके, सो लास्टली कुछ सजेशन, मतलब जो इस बार के कैट एस्पायरेंट हैं वो बेचारे जो उसी दुख को शेयर कर रहे हैं जो तुमने शायद लास्ट ईयर किया था या पहले लोगों ने किया है, तो उनके लिए कुछ दो शब्द। सजेशंस बस यही है कि कैट पे इतना ज्यादा सोलली फोकस मत करो. मतलब बाकी एग्जाम्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंट ट्रीट करो. जब आपका जब टेस्ट और आपके JPIMS एक्सेल आ रहा है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट SMBASIS इन सारे कॉलेजेस में कैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता. आप उन कॉलेजेस को इग्नोर नहीं कर सकते. बहुत लोग ट्राई ही नहीं करते. आई हैव सीन पीपल नॉट गिविंग स्नैप एग्जाम. आई हैव सीन पीपल नॉट गिविंग NMAT एग्जाम. जबकि इन सारे कॉलेजेस के पैकेजेस 25+ है. सो फोकस ऑन दीज पेपर इक्वली एंड ट्राई कि आप कैट को एक सोल फोकस लेके मत चलो. और बैंकिंग एग्जाम्स देना आई थिंक हेल्प्स अ लॉट. स्पीड आई डोंट नो एक स्पीड बिल्ड होती है आपकी. आई फील इट इज वेरी हेल्पफुल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जस्ट कि आप रोज अपनी रादर देन कि आप एक दिन में 7 घंटे पढ़ रहे हो आप हफ्ते में रोज 1-1 घंटा पढ़ो. 7 दिन के लिए 1 घंटा पढ़ो. तो कैट इज एन एग्जाम ऑफ प्रैक्टिस. आप जितनी मतलब प्रैक्टिस नॉट एक करोगे एक घंटा, मतलब बताने का पॉइंट ये था कि रोज पढ़ो, राइट? कंसिस्टेंसी रोज पढ़ो मतलब डोंट स्किप एनी डेज. हाँ अगर आपको किसी दिन सपोज छुट्टी पर भी जाना है लाइक अगर आपको संडे की छुट्टी चाहिए तो आप पहले पढ़ के फिर 2 घंटे घूम के फिर वापस आ जाओ. मतलब कोई भी ऐसा दिन मत लो कि आप पूरा दिन ऑफ ले लो. मुझे वो हार्मफुल लगता है कैट की बिल्कुल प्रिपरेशन. यू बिल्कुल शुड नॉट टेक एन एंटायर डे ऑफ.
बिल्कुल, अगर बिकॉज आपको लग कई रहा दिन है का कि अगर आप गैप हो जाता है तो ऑब्वियसली वो आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते ही डालता है। आई रिमेम्बर कि मैं एक ट्रिप पे गई थी जो कि 3-4 दिन की ट्रिप थी, और मैं जब ट्रिप से वापस आई थी और मैं अपने उसके बाद मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे उससे या पहले आए लास्ट थे, जून की और बात आई कर रहे थिंक हैं वो हम। और वो उतना सा गैप, आई थिंक 1-2 हफ्ते का गैप ने इतनी इम्पैक्ट करी थी मेरी परफॉर्मेंस को. बिल्कुल तो डोंट टेक एनी डे ऑफ, अगर आप ट्रिप पे भी जा रहे हो वहां भी बुक्स लेके चलो, जो 2 घंटे पढ़ लेना कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. मतलब कहने का ये कि ट्राई टू बी इन टच विद योर स्टडीज और विद योर बी गोल्स। कंसिस्टेंट, एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है. कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जो ज्यादा, बाकी सब लक फैक्टर नहीं स्टिल, मतलब वो तो खैर है तुम्हारी केस में ऐसा हो सकता है, बट आई वुड स्टिल से कि मतलब डोंट वरी अबाउट लक बिकॉज दैट इज नॉट इन योर हैंड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली गेट अ गुड कॉलेज, इतना तो हम गारंटी से कह ही सकते हैं विद योर एग्जाम्पल एंड विद द प्रीवियस वंस ऑल्सो। चलो थैंक यू सो मच प्रांजलि एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मच एक्साइटिंग एक्सेलराइज जर्नी एंड योर कॉर्पोरेट लाइफ बियॉन्ड दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो